Before I start this video, if you want to talk to me directly, please go on to nikshala.com. And once you're on the website, go into personal session. I have two categories of personal appointments. One is for 30 minutes. One is designed for 15 minutes. So go ahead and book it if you have any questions related to documentation, university shortlisting, visa, blocked account. Beside that, I also have designed a mentorship program. If you're a student for a bachelor's or for master's, both of them will be helping you to get one step closer to getting the visa from India itself in a public university. One of the hero products for many students, what I'm seeing getting benefit out of, is the mentorship program for 12 months. If you're a student for bachelor's, then for bachelor's as well, we have multiple programs designed. Every call and the intention of this mentorship is to get you admission and visa out of it. Okay, so third floor pe aa gaya hu main. To is floor pe again alag alag building mein alag alag structure hota hai, to isme ek room yahan par hai, ek room yahan par hai. Mere ko bola gaya hai ki in apartments mein teen kamre hain total aur sharing kitchen aur bathroom hai. Andar chalte hain. Hello. Hello. Welcome. Kya kar raha hai? बस पढ़ रहा था। So, अभी जाने से पहले जैसे कि मैंने नीचे डोर बेल दबाया था तो यहाँ से डोर तूने खोला यहाँ से खोलते हैं। तो ये सिस्टम पूरे हॉस्टल में है या पूरे हॉस्टल में? आई थिंक जर्मनी में बहुत कॉमन है, राइट? हाँ, ये कॉमन है। रूम्स में ना जब आप घुसोगे कोई नीचे आया तो आप ये दबा के दरवाजा खोल जाएगा, है ना? तो ये क्या है, अंदर आते ही ये कॉमन एरिया है, ये हमारा कॉमन एरिया है, ठीक है? रहता है बंदा। अच्छा, ये रूम है? ये रूम है। ओके, ये दूसरा रूम है। ओके, बाथरूम? ये बाथरूम है। अच्छा, ये भी कोई रूम है क्या कि ऐसे? नहीं, नहीं, ये सिर्फ डिजाइन है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाथरूम देख सकते हैं? हाँ, देख सकते। अरे यार, सही है बे, वाओ। और ये शावर एरिया? हाँ, राइट राइट। ये पैराशूट लेके आए क्या तू? हाँ, घर से लाया। राइट राइट राइट। चलो, ये बड़ा रूम है। अरे दोस्तों, मिले, हाय हाय। सो एक मिनट, तो अभी यहाँ से घुसा मैं, इधर एक रूम है, इधर एक रूम है, एक और, तो ये तो बाथरूम हो गया, बाथरूम है, और एक तीसरा रूम, ये जो मेरा रूम है। अच्छा, इधर अभी दिखाएंगे, पहले तो हाय आप लोगों को क्विकली, लोगों के लिए 10 सेकेंड का अपना इंट्रो दे दो, आपका फर्स्ट नेम है, आप क्या पढ़ रहे हो और कब आए? ओके, मेरा नाम मयूर ध्वज राठौड़ है। मैं MSc बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कहाँ पर? यूनिवर्सिटी बर्लिन से। FU बर्लिन में, या ठीक है। आप? आई एम इंग्लिश, माय नेम इज विशाल एंड आई एम स्टडीइंग लैंग्वेज एंड आई एम स्टडीइंग फ्रॉम स्टैंक इंस्टीट्यूट बर्लिन। ठीक है। हाय, माय नेम इज सिद्धांत एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम TU बर्लिन एंड आई हैव बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years। सबसे सीनियर यही है क्या? सीनियर बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे सवाल है आपके लिए। तो किचन है ना? ये कॉमन किचन है, व्हिच इज फॉर 3 पीपल। यू गेट दिस काइंड ऑफ सेटअप, यू हैव दीस कैबिनेट्स। ओके, अच्छा, बेसिक वंस, और आपको एक फ्रिज मिलता है। अच्छा, जो आप शेयर करते हो। तो ये आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि मेरा कंपार्टमेंट कौन सा है, या अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग? दिस इज म्यूचुअली, अच्छा, म्यूचुअली डिसाइड होता है। जो पहले आएगा वो ज्यादा घेर के बैठेगा। ये मैंने देखा है, जो पहले आ जाता है कमरे में वो ऑक्यूपाई कर लेता है, ये मेरी टेरिटरी है। ओके ओके, एंड वी हैव दिस सम डस्टबिन एंड ऑल दैट। जर्मनी में पीपल वुड नो कि यहां पे सेग्रीगेशन होती है ट्रैश की, बायो वेस्ट गो सेपरेटली, plastic goes separately and paper goes separately. Right. So this is a basic setup that you get. We have a weekly routine of cleaning. हम लोग divide कर लेते हैं कि normally अगर 3 लोग रह रहे हैं तो every week 1 person would be taking the responsibility to clean the common area, right, kitchen, right, and washroom also. तो आप लोग ने मतलब इधर सामान क्या-क्या लाया है यहाँ पर? सामान, यू गेट द बेसिक फर्नीचर? नहीं नहीं नहीं, ये कटलरीज, क्रॉकरीज, कटलरी, एवरीथिंग यू हैव टू ब्रिंग बाय योरसेल्फ, राइट? अब यू हैव ऑप्शंस कि आप इंडिया से लाते हो या फिर आप IKEA जाके लेके आओ। अच्छा, नहीं तो अपने लोग शायद से लेके ही आते हैं। हां, मोस्टली वो बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें एटलीस्ट, बहुत जरूरी, थाली, चम्मच, कटोरी, मसाला, एवरीथिंग। कहां रखा तेरा मसाला? मेरा। अच्छा, अरे बाप रे, ये बर्नी, ये वाली, अच्छा, खोल के दिखा जरा। ये है, वाह वाह वाह, मिक्स हो गया, टिपिकल हल्दी खत्म है। चलो सही है। और ये इंडक्शन वाला सेटअप है, हाँ? ये सब तेरे को सीखने में टाइम लगा कि
आता था टाइम नहीं लगा। हाँ ये रहा ऑपरेशन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यार ये सब चीजें। और बर्तन वर्तन और कुकर आप लोगों ने लेके आए थे या क्या है? कुकर लेके आए थे। दिखाओ कुकर, कितने लीटर का कुकर है? छोटा ही है, छोटा वाला है। एक दो लीटर का रहेगा, एक लीटर दो लीटर और ये कॉमन एरिया जहाँ पर बैठ के आप लोग खाना खाते हो, किचन एरिया में जो है। तो रूम दिखा दो जरा अपना, ये सब मिला हुआ है, ये स्टडी टेबल है। अच्छा ये स्टडी टेबल है, अच्छा ये छोटा कबर्ड है, इसमें ये सब रखते हैं। अच्छा ये नया नहीं था, फैन तो नहीं मिलता है, फैन लेके आया है। ठीक है, तो ये छोटा ड्रॉवर है, ये बेड है, और ये मैट्रेस मिला था या लेके आया था? ये मिला था यहाँ से, यही पे होता है। बेडशीट लेके आया था तू, और ये कंबल तो पूरा एकदम अहमदाबाद वाला लग रहा है, अहमदाबाद वाला है। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? अच्छा ये, अबे यार बहुत सही है, सही है। खाली क्यों जरा, बस पूरा बैग पैक करके रखा है क्या? अभी शिफ्ट हुआ यहां से। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर दोनों बैग वहां रख दिए, सही है। और इधर वाईफाई का क्या सीन है? वाईफाई यहां पे मिलता है। अच्छा ये, अच्छा ये ऑलरेडी ऑलरेडी फ्री होता है सब। हां हां, आपको राउटर लेके आया ना, राउटर यहां पे मिल जाता है, मिल जाता है यहां वहां से स्टूडेंट से मांगो। स्टूडेंट एसएससी ऑफिस होता है यहां, मतलब यहां पे स्टूडेंट का आपको यूरोपियन प्लग लगेगा, जैसे कि इसने अभी ये यूनिवर्सल अडैप्टर लेके आया था तू, राइट? इंडियन, हाँ ये इंडिया से हार्डवेयर के शॉप में मिल जाता है, बिकॉज अपना इंडिया वाला प्लग यहाँ पर नहीं घुसेगा। ठीक है, ये इसमें नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये हाँ ये इंडिया का चार्जर है, जैसे कि ये यहाँ पर नहीं जाएगा, इसलिए इसने अडैप्टर लेके आया है ये वाला। आप हार्डवेयर में जाके बोलोगे यूनिवर्सल अडैप्टर दो, तो ऐसा कुछ दिखता है, आप यहाँ डालोगे, पतला सा होता है, एंड देन आप इसको कनेक्ट करोगे ऐसे। और अगर किसी के पास घर नहीं है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पहले तो आते ही बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं बर्लिन में, तो सबसे बड़ा इशू है कि लोग आपका फायदा उठाते हैं। स्कैम्स के अलावा मेनली रेंट, मतलब अगर आप आ रहे हो तो स्क्वीज यू, है ना, स्क्वीज यू। सपोज कि ये 200 का है, अब आप नए हैं, कुछ पता नहीं रहा, 400 लेंगे, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हां मतलब वही है ना कि जब जरूरत है तो लोग तुम्हारी बचा भी सकते हैं, राइट? वरना बर्लिन में दो स्टूडेंट डॉर्म्स और हैं नॉर्मली, अगर आप किसी छोटे सिटी में जाते हो ना तो वहाँ पे द ओनली ऑफिशियल ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स इज स्टूडेंट इन वर्क। लेकिन बर्लिन में दो और नाम है, एक स्टूडेंट इन डॉर्फ के नाम से एक डॉर्म है, और दूसरा हाउस ऑफ नेशंस। करेक्ट, दे आर लिटिल एक्सपेंसिव देन स्टूडेंट इन वर्क, बट इट इज अ सेफर ऑप्शन। हां दे आर प्राइवेट, राइट राइट। ये जैसे कि गवर्नमेंट का है, हां ये दिस इज स्टूडेंट इन वर्क, जो गवर्नमेंट बॉडी है जो सब्सिडाइज्ड प्राइस में रूम्स देती है, राइट? और अगर कमरा नहीं है, आप यहाँ लैंड करके आप एयरबीएनबी में जैसे आ रहे हो, तो आपको वहां पर सिटी रजिस्ट्रेशन करने नहीं मिलेगा, और सिटी रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खोल पाओगे, जहां पर ढेर सारा आपका ही पैसा पड़ा है। तो मतलब जब बंदा उड़ के आ रहा है पहले टाइम, तो कितना कैश आपके हिसाब से लेके आना चाहिए? For me, it's like 700 to 800 euros maximum. Yeah. But it depends on you. आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये कहूंगा कि जितने भी एडवाइसेस अभी दिए गए उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो। जितने भी फेसबुक ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है स्टूडेंट के बने हुए, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए, प्लीज़ रीच आउट टू एवरी पर्सन पॉसिबल, बट मेक श्योर दैट अगर आपको कोई कैमरे पे घर दिखा के ये कह रहा है कि आप डिपॉजिट भेज दो, दैट इज़ अ प्योर स्कैम। ठीक है, खुले आम, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस हियर। आपको लोग
इतने प्रोफेशनली स्कैम करेंगे आपको लगेगा अरे यार कितना अच्छा बंदा है, बट एक्चुअली आपकी ले रहा हो. ठीक है, इन बर्लिन में तो यार दे आर हार्टलेस पीपल. ठीक है, लाइक रियली वो आपको घर के धक्का मार के बाहर निकाल देंगे. कल को आपने किसी को पैसा दे दिया एडवांस में और आप यहाँ आके देख रहे हो अरे बिल्डिंग ही नहीं है. ऐसा हुआ है, होता है। मेरे को कितने बार लोगों ने बोला कि भैया पैसा ले लो वहां जाके एक बार चेक कर लिया पेरेंट्स ने. ठीक है, तो प्लीज आप केयरफुल रहिए. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रीच आउट टू अस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, बट कांट प्रॉमिस एटलीस्ट विद दिस टॉपिक. एटलीस्ट फॉर अकोमोडेशन, फॉर अकोमोडेशन नोबडी कैन. बट यार एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक बटन दबा देना. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल, और या आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.